हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और कंटिन्यू करते हैं पाइथन डेटा टाइप में। सो जैसा लास्ट क्लास मैंने प्रॉमिस किया था, पाइथन डेटा टाइप मैंने स्टार्ट किया था और फिर मैंने बताया था कि हम लोग बारी बारी अगले क्लास से इन सारे डेटा टाइप्स को देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। ओके, ये येलो में थोड़ा शायद हो सकता है कम दिख रहा हो, आप ध्यान देना। इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट, फर्स्ट टू, इन दोनों को बोलते हैं हम, एक और नाम है इनका, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स यानी नंबर्स, आईएनटी और फ्लोट, ये दोनों नंबर्स के लिए यूज होते हैं। आईएनटी किसके लिए यूज होता है? ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट ना हो। और फ्लोट किसके लिए यूज होता है? ऐसे नंबर जिसमें पॉइंट हो। ओके, सो हम देखते हैं इसको। सो अगर हम कोई पाइथन में वेरिएबल लेते हैं ए, और इसके अंदर मैं स्टोर कर लेता हूं 10, ओके? सो ए के अंदर मैंने 10 स्टोर किया है, 10 क्या है? इंटीजर। तो अपने आप ए का टाइप क्या हो गया? आईएनटी। और अगर हमें ए का टाइप चेक करना है तो उसके लिए एक फंक्शन है पाइथन में जिसका नाम है टाइप। ओके, टाइप, और किसका टाइप चेक करना है? ए का। सो ये देखो टाइप क्या आ गया, आईएनटी, राइट? बेसिकली प्रोग्राम मैं कहाँ रन कर रहा हूँ, जुपिटर नोटबुक में प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, ठीक है? सारा चीज मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करना है, प्रोग्राम कैसे रन करना है। अगर किसी को भी देखना है ये वीडियो कि जुपिटर नोटबुक कैसे रन करना है, तो मैंने लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो, राइट? सो जुपिटर नोटबुक का एक खासियत है कि आउटपुट आपको यहाँ पे शो कर देता है, ठीक है? आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, जैसे प्रिंट, और ए का टाइप चेक करना है, सो टाइप, और टाइप में ए पास कर दो, ठीक है? क्लास प्रिंट करेंगे तो पूरा डिटेल आएगा। ओके, आप चाहो तो किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, जैसे टी असाइन विद, फंक्शन का नाम क्या है? टाइप, और टाइप में क्या स्टोर कर लेंगे? ए, ए का टाइप, टाइप फंक्शन ए का टाइप बताएगा। तो देखो टी में स्टोर हो गया, और अगर हम टी को प्रिंट करते हैं, प्रिंट टी, तो डिटेल आ जाएगा, और अगर सिर्फ टी को ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आई एन टी। ओके, उसी तरीके और वेरिएबल लेते हैं हम बी, और बी में स्टोर कर लेते हैं 2.5, फाइन? और अगर हम बी का टाइप में चेक करना हो, हम सेम सेल में कर सकते हैं और डिफरेंट सेल में भी कर सकते हैं, मैं भी सेम सेल में कर रहा हूं। सो टाइप, और मैं यहां पे अगर बी लिखूं तो देखना क्या आएगा, फ्लोट, क्योंकि बी में क्या है? पॉइंट और नंबर स्टोर है। और अगर मैं प्रिंट करूं, मैं दिखा चुका हूं सेम चीज, अगर टाइप और मैं यहां पे, तो पूरा डिटेल आएगा, क्लास फ्लोट, क्योंकि फ्लोट जो डेटा टाइप है वो भी एक है पाइथन में। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया टाइप क्या होता है। न्यूमेरिक टाइप दोनों आईएनटी और फ्लोट पाइथन में क्लियर हो गया। आप जैसा नंबर स्टोर करोगे वेरिएबल में, वेरिएबल उसी टाइप का बन जाएगा। जैसे ए क्या है, अगर मैं ए का टाइप चेक करूं तो किस टाइप का है? आईएनटी टाइप का है, राइट? ये देखो, बट अगर इसी ए में मैं अब स्टोर कर देता हूं 2.36, तो अब ए का टाइप क्या हो गया? एग्जीक्यूट करता हूं, अगले सेल में टाइप चेक करता हूं, टाइप ए, अब देखो चेंज हो जाएगा अपने आप फ्लोट। तो जिस जो नंबर रहेगा टाइप अपने आप वेरिएबल का, उस टाइप का हो जाएगा। अब कुछ सिंपल हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस देख लेते हैं पाइथन में। जैसे अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है, मान लो ए और बी को, तो हम कैसे कर सकते हैं? ए प्लस बी। अब ए में देखो, अभी सबसे रिसेंट में कौन सा नंबर हमने स्टोर किया है? 2.36, और बी में कितना है? ऊपर देखो, बी में है 2.5 सबसे रिसेंट में, तो ये अपने आप आ जाएगा 4 पॉइंट। इतना अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट ए प्लस बी। ओके, ये मैं आपको पाइथन नंबर्स मैंने बताया, तो नंबर्स में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं उसको भी मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूं, ठीक है? चाहो तो हम एक वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं, सी असाइन विथ ए प्लस बी, ठीक है? और फिर अगर सी को प्रिंट करना है तो प्रिंट सी, ठीक है? अगर मल्टीप्लाई करना है तो सी असाइन विद ए इंटू बी, प्रिंट करते हैं प्रिंट सी। ओके, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वैसे ही कर सकते हैं ए माइनस बी, और प्रिंट करना है तो प्रिंट सी। डिवाइड करना है तो सी असाइन विद ए। अब देखो हर बार सी की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, जैसे यहां पे सी में कुछ और था, बट अगली बार जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जो a इंटू बी की वैल्यू आई वो पुरानी c की वैल्यू को हटा देगी, तो कंफ्यूज मत होना। a डिवाइडेड बाय b, और अगर प्रिंट करते हैं तो प्रिंट c। ओके, अच्छा अगर आपको मान लो a टू द पावर, जैसे मान लो एक वेरिएबल है a,
ये नहीं, एक वेरिएबल है एक्स और एक वेरिएबल है वाई, और इन दोनों मैंने स्टोर किया है 2,3। ये देखो शॉर्टकट है वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने का, पहली वैल्यू 2x में स्टोर हो जाएगा, दूसरी वैल्यू 3y में स्टोर हो जाएगा। अब अगर हमें x टू द पावर y निकालना है, x में 2 है y में 3 है, ओके? तो अगर हमें 2 टू द पावर 3 यानी x टू द पावर y निकालना है, तो एक सिंपल तरीका है, प्रिंट पाइथन में बहुत सिंपल है, x पावर के लिए दो बार एस्ट्रिक और y, तो x में कितना है 2, y में कितना है 3, तो एक 2 टू द पावर 3 देगा यानी 8। देखो अच्छा, अगर रिमाइंडर में पाइथन में निकालना है तो जैसे हमारा ऊपर देखो y में कितना है 3 है और x में कितना है 2 है, तो अगर हम लिखते हैं y mod x, तो y में कितना है 3 है, x में कितना है 2 है, तो 3 mod 2 mod रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा स्टोर कर लेता हूं मैं एक वेरिएबल में, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 1, 3 में आप 2 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है? और ये मॉड रिमाइंडर देता है, ध्यान रखना। इसको रन करते हैं, अब मैं अगर प्रिंट करता हूं रैम को, रैम तो देखो 1 नॉर्मली आप देख लो ना, अगर मैं ऐसे प्रिंट करता हूं प्रिंट 9 mod 5, तो 9 में 5 से आप मॉड करोगे डिवाइड करके देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आएगा, देखो 4। सो मॉड का मतलब समझ गया ना कि ये रिमाइंडर देता है, और दो बार एस्ट्रिक क्या करता है पावर, जैसे 2 टू द 2 और दो बार एस्ट्रिक और मैं कर दिया 4, यानी 2 टू द पावर 4 देगा। ये सिर्फ मैं ऐसे रन कर दूंगा तब भी आउटपुट आ जाएगा, ये देखो बस यहाँ रेड में लिख के आएगा आउट 25, और हम चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट 2 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 4, ये देखो सेम चीज आया 16। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, ये दो टाइप के न्यूमेरिक हमारे INT और फ्लोट, दोनों न्यूमेरिक डेटा टाइप और मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं पाइथन में। सो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग, सो अगले वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग पे बात करेंगे, ओके? सो थैंक यू एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।